मुझे तो बहुत रखना है भाई। इधर गिर जाता है मेरा मोबाइल, पर इट वॉज स्केरी। ओके, मेरे को लगा इधर मेरा पैर फिसल जाएगा एंड सीधा मैं नीचे चल जाऊंगी। अब दिल्ली में बहुत दिन हो गए, नेक्स्ट लोकेशन किधर जाऊं मैं यही सोच रही हूँ। तो सोचते सोचते मैं देखती हूँ ये बोर्ड पे टंगा हुआ हिमालय। यार इधर जाऊंगी मैं, हिमाचल कैसे रहेगा। वैसे भी मैं सिर्फ एक बार हिमाचल गई और वो भी सोलन में। तो चलते हैं अभी हिमाचल। ऐसे कोटे में डिसाइड तो कर लिया है मैंने, पर दिल्ली से हिमाचल कैसे जाऊं, किधर जाऊं मैं। अब हिमालय तो देखना है जो पूरा बर्फ से घिरा हो, पर लोकेशन कौन सी चूज करूं मैं। मुझे हिमालय देखकर और सुनकर जो फर्स्ट क्लिक दिमाग में आता है वो है शिव जी। और शिव जी का नाम लेकर पूरे बॉडी में जो वाइब्रेशन आती है उससे याद आती है पार्वती माँ। पार्वती माँ की वजह से नाम पड़ा पार्वती वैली को, और पार्वती वैली है कसोल में। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम शेयरिंग कार फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ट्रैवल लोकेशन लिख कर सर्च करना है। तो मुझे कार वाली राइड मिल गई इन ₹1500, सेम एज प्राइवेट ट्रैवलिंग। तो आपको कैसे लग रहे हैं कसोल के नज़ारे। पहाड़ों में जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात बहुत ही निराली है। गाड़ी के अंदर बैठ कर हम बाहर के नज़ारे बेशक ही देख रहे हैं, पर अंदर से एक आवाज हमेशा हमें पुकार रही है और कह रही है कि भाई तुम नीचे हिमाचल की धरती पर कब अपने पैर रखोगे। तो ये पार्वती वैली पेड़ एंड नेचर को देखकर हम और भी लालची हो जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते और फाइनली रुक ही जाते हैं। टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है भाई। तुम जाना है मेरे को इधर पार्वती माँ को और पास से देखना है, तो चले पार्वती नदी के पास। पार्वती नदी कुछ तो बोल रही है ऐसा लग रहा है मुझे तो। आपको भी लग रहा है सर? पार्वती नदी को निहारते निहारते इधर ही मैंने खाया पहाड़ों का टेस्टी मैगी। अब पहाड़ों में आई हूँ तो मैगी खानी तो बनती है ना। कुछ देर बाद अपने ब्ला ब्ला कार के स्ट्रेंजर के फ्रेंड्स को अलविदा कहकर मैं जा रही हूँ एक नए सफर पर। वो है कसोल से थोड़ा सा दूर और वो जाता है एक जादुई मैजिकल वैली को, जो अपने आप में एक सीक्रेट है। इस मैजिकल सीक्रेट वैली के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, और इससे भी कम लोगों ने इस जादुई सीक्रेट वैली को एक्चुअली में इन रियलिटी में एक्सप्लोर किया है। लाना से पहले मुझे मिल जाती हूँ 4x4 व्हीकल और उधर से मैं पहुँचती हूँ मैजिकल सीक्रेट वैली को। ओहो, पर अभी मुझे मेरी डेस्टिनेशन मिली नहीं है। जितना आसान मैंने समझा था उतना आसान इसका रास्ता नहीं है भाई। इसका मतलब द एंड पॉइंट ऑफ माय जर्नी, और वो है ऊपर। और इधर हम केवल जा सकते हैं ट्रैक करके या घोड़े पर। तो आई हैव चोजन ट्रैक। फाइनली ऊपर पहुंच गई मैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वेलकम टू वाइचिन वैली, जिसे मैजिकल सीक्रेट वैली भी बोला जाता है। इधर से जिधर तक नजर जा रही है उधर तो सिर्फ जंगल के बड़े बड़े पेड़, माउंटेन्स और फ्रोजन वॉटरफॉल दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मैं बाबी या कोई परियों की जादुई मूवी देख रही हूँ। तो ये बर्फ से घिरे हुए हिमालय को देखने के लिए मैं दिल्ली से हिमाचल आई हूँ। इधर से लोअर हिमालय की रेंज जाती है। क्या आपको पता है कि अभी कितना टेम्परेचर है? एनी गेसेस? तो टेम्परेचर नाउ इज बिटवीन 1-2 डिग्री सेल्सियस। इतना कम टेम्परेचर मैं लाइफ में पहली बार महसूस कर रही हूँ। मॉर्निंग 9 AM। अभी टेस्टी पहाड़ों का ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं जा रही हूँ वाइचिन वैली के कैफे एक्सप्लोर करने। ये है मूनलाइट कैफे और मेरा होम स्टे भी। तो फिर घूमने के बाद मैं पहुंचती हूँ अपने होम स्टे जो है मूनलाइट कैफे। आने वाले कुछ दिनों के लिए मेरा घर यही है वाइचिन वैली में। इस कैफे की खास बात ये है
यहाँ पर 25 to 30 कैफेज है। तुम मिलिए मेरा भाभी जी से, जो है पार्टी के लिए शरीर से। तो अभी भाभी जी मुझे वाइचिंग वैली के बारे में दिलचस्प बातें बता रही है, खासकर इधर के लोकल मलाना ट्राइब के बारे में, जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगी। तो उनके बारे में जानने के लिए जरूर देखना और अपकमिंग वीडियो और मलाना के लिए शाम के 7:30 बजे। जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे इधर टेम्परेचर माइनस में जाना स्टार्ट हो जाता है। अभी मीना भाभी खाना बना रही है। ये आटे को भी देख रहे हो कैसे कवर किया है प्लास्टिक से, ताकि ये जम ना जाए। ये है आज का खाना जो दीदी ने बनाया है बहुत प्यार से। आज सुबह उठने के बाद मुझे एक खुशखबरी मिलती है, और वो है कि आज होगा वाइचिन में स्नोफॉल। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, बिकॉज आई एम गोना वॉच लाइव स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। अभी स्नो गिर रही है, अभी स्नो देखेंगे। सी 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 थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, ये देखो ये देखो। हाय। थोड़ी देर बाद इन इवनिंग 5 PM जब मैं सोकर उठती हूँ तब देखती हूँ इधर तो पूरी बर्फ की चादर बिछ गई है। तब मुझे पास ही के रिवर फॉल ट्रैक के बारे में बताते हैं देव भाई। और ये देव भाई कौन है? ये है हमारी मीना भाभी के काइंड हस्बैंड। फिर हफ्ते हफ्ते चलने के बाद मैं पहुँचती हूँ अपने डेस्टिनेशन पर। ये क्या है गाइस, मेरी आंखों पर तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतना सुंदर फ्रोजन रिवर फॉल देख रही हूँ। ऑन द वे टूवर्ड्स होम स्टे मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे तेज की भूख लगी है। तो चलो देखते हैं आज क्या बन रहा है। ये पहाड़ों वाली मैक्रोनी भी देव भाई के हाथों से तो बहुत ही लजीज बनी है। मॉर्निंग 9:30 AM सो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। तो कल के स्नोफॉल के बाद आज के लिए बहुत ही अच्छी धूप, तो मैंने सोचा की अपने होम स्टे के पीछे वाले जंगल ट्रैक को ही चलते हैं आज। Then daddy started phone. मैं किधर किधर से घुस रही हूँ। अभी I have two options from here और इधर से मेरा पैर फिसला के नीचे गिरी। वो जो है ना पत्थर, ये ऊपर वाला, तो उधर तक पहुँच तो जाती हूँ पर मेरा मोबाइल गिर जाता है इधर। ये देखो this one. इधर गिर जाता है एंड इधर गिर जाता है मेरा मोबाइल, और फिर मैं उधर से नीचे आ जाती हूँ। पर इट वॉज स्केरी, ओके। मेरे को लगा इधर मेरा पैर फिसल जाएगा एंड सीधा मैं नीचे चली जाऊँगी। सी अब सर मैं उधर से इधर ऊपर तो बहुत ही शांति है, और ऐसे लग रहा है कि ये पहाड़ और नज़ारा जूम इन हो गया है। वापस नीचे होम स्टे में जाकर अपने ट्रैकिंग की स्टोरी मीना भाभी और देव भाई को बताती हूँ। फिर मुझे ये भी पता है कि मैंने तो इस लविंग कपल के साथ अब तक फोटोज ही लिए नहीं है। तो ये रहे फोटोज। इन इवनिंग 8 PM आज खाएंगे हिमाचल की लोकल डिश सिड्डू, जो बहुत ही हेल्दी है और इधर विंटर्स में बॉडी वॉर्म करने के लिए और एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत ही शौक से खाई जाती है। वाइचिन के शॉप, वो 10 का मैगी 20 को है क्या? मैगी भी 20 को? हाँ, कुरकुरे 20 का 40। अच्छा, बाय बाय वाइचिन वैली। लगी आपको पार्वती वैली एंड वाइचिन वैली, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और कमेंट में हाथ डालना ना भूलना, ठीक? और लाइक करना वीडियो एंड शेयर करना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब भी करना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। और अपकमिंग वीडियो रहेगा मलाना विलेज का, ये तो आपको वीडियो में पता चला ही है। तो फिर टिल देन बाय बाय।